रुपए चढ़ाना पड़ेगा भाई। और ये है वो दुखी प्राणी। एवरीवन वेलकम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और गाइस अभी ना हमें कहीं जाना था, मतलब मार्केट में जाना था, तो अभी एकदम से मेरे पास किसी की कॉल आई। उन्होंने बोला कि उनका ना फ़ोन ख़राब हो गया, कोई दुखी प्राणी है जिसका फ़ोन ख़राब हो गया। अब देखती हूँ वो फ़ोन में ठीक कर पाऊँगी या नहीं, तो चलो चलते हैं किसी दुखी प्राणी के दुख को कम करने के लिए। और पहले ना मैं उनके एक्सप्रेशन देखूँगी कैसे हैं, तो सारे एक्सप्रेशन कैप्चर करूँगी। नमस्ते। और ये है वो दुखी प्राणी। मैंने मेरे सारे व्यूवर्स को बता दिया है कि एक दुखी प्राणी का फोन खराब हो गया है, और देखते हैं मैं ठीक कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। अरे इसका वो ऑन किया हुआ है अपने, बता देना क्या क्या कमेंट्स में बता देना यही। अच्छा ठीक होगा। अच्छा और हाँ, इन्होंने बोला अगर इनका फोन ठीक हो जाएगा तो क्या करोगे आप? 11 रुपए का प्रसाद चढ़ा दूंगी स्वीटी के नाम से। मेरे ऊपर प्रसाद चढ़ा? मेरे ऊपर नहीं आंटी, मेरे नाम से, भगवान के चरणों में। के नाम से स्वीटी को ही चढ़ाऊंगी, मतलब ऐसा नहीं भगवान को ही नहीं को चढ़ाऊंगी। अरे वाह, देख लो आंटी कैसे कैसे भक्त है मेरे। और ये देखो मैंने इनका फोन ठीक कर दिया। हाँ भाई अब क्या चलेगा, या तो फोन मेरा या फिर प्रसाद चाहिए मुझे। प्रसाद तो फोन ही ले ले स्वीटी। आंटी फोन मेरा ठीक, अब तो मुझे पासवर्ड भी पता चल गया। ये सही रहा। नहीं मैं प्रसाद कुछ नहीं हुआ था, इनका सिस्टम नेविगेशन है वो ऑन हो गया था। पर नहीं ठीक हो रहा था उसमें आगे। हाँ तो अब ठीक हो गया ना। अब ठीक हो गया। अब देखो एक बार खोल के दिखाना क्या है पासवर्ड। फोन नहीं दे लो भाई, मैं नहीं देख रही, लेके भाग जाऊंगी मैं, कोई चोरू चक्की हूँ मैं लेके भाग जाऊंगी। Yeah. और वही मैंने इनका फोन ठीक कर दिया, बड़ी खुशी की बात है। देख लो आंटी, और अब क्या करें, मेरे को चूना लग गया 11 रुपए का। देख लो ऐसे ऐसी होती है, ऐसे सस्ते सस्ते भक्त आते हैं मेरे चरणों में। लेने गई है। अरे रहने दो, नहीं चाहिए मुझे 11 रुपए। चढ़ाना पड़ेगा भाई। कोई नहीं, चलो फाइनली शी इज हैप्पी। हाँ स्वीटी ने मेरा फोन ठीक कर दिया, पर साथ तो देना पड़ेगा है ना। ना ना नहीं, क्या खाएगी बता? कुछ नहीं, समोसे खिलाओ ना। समोसा 10 रुपए का आता है लेकिन। ना समोसा 10 रुपए का आता है तो क्या हुआ, 20 रुपए का खिला दूंगी। 11 रुपए का लूंगी मैं। 11 रुपए 1 रुपए की एक्स्ट्रा चटनी। हाँ 1 रुपए की एक्स्ट्रा चटनी ले लो। ना ना है ना, क्या हुआ भाई? उनका फोन ठीक हुआ, वो शांति से बैठी है ठीक है बाय। और अब हम जा रहे हैं कहीं और, एक्चुअली हमें कुछ ना शॉपिंग करने जाना है, तो बस वहीं जा रहे हैं हम। बच्चों ये मम्मी अंदर गाड़ी में बैठ गई है, ये रही मेरी मम्मी। अभी हम यहाँ एक शॉप पे आए हैं, शॉप नहीं कह सकते वैसे मम्मी, हम इसे पूरा गोडाउन कह सकते हैं ना। हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें हैं यहाँ, गीज़र और क्या है, गीज़र है अभी, गीजर ये हाँ मेन, अभी हम गीज़र लेने आए हैं तो इसलिए बार बार गीज़र ही आ रहा है। बकेट्स, गैस का भी, इलेक्ट्रिक गीजर्स भी है, और मतलब किचन की सारी रिक्वायरमेंट्स की सारी चीज़ें, मतलब जो आपको चाहिए ना सब कुछ मिलेगा। और वहाँ रखा है स्ट्रेटनर, कर्लर, रोड, और क्या है हाँ ड्रायर वगैरह, सारी चीज़ें सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो चलो देखते हैं अभी हम क्या लेते हैं। वैसे अभी हमने ना 2 गीज़र अभी ले लिए हमने, और बाकी देखते हैं और क्या लेंगे हम। वैसे ना जहाँ देखो सब कुछ है, आयरन टेबल है, और मैट है, डोर मैट है, कारपेट है, कॉफ़ी है, और ये जग है। हाँ ये कॉपर का है, देखिए अपने, पर थोड़ा सा हल्का लग रहा है ना, हल्का हल्का है। टावल, हैंड टावल वगैरह सब कुछ। चीज़ जो मेरे को सबसे अच्छी लगी ये देखो है ना, अच्छी लग रहा है बुद्धा। और ये देखो शिव परिवार, ये भी अच्छा है। प्राइस क्या है इसका, प्राइस क्या है? 2100। और हाँ टॉयलेटरीज भी हैं सब कुछ, फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, और क्या है, और बर्तन भी है, ये क्रॉकरी भी है, नवरात्रि में अगर देनी है बच्चों को, अगर कन्याओं को, उसके लिए भी है, वहाँ भी है मतलब। और अंदर देखो भाई साहब, अंदर पूरा गोडाउन है, ये पूरा सब कुछ सेट है, सामान भरा हुआ है। अभी हम इसके बाद यहाँ आए हैं ग्रोसरी शॉप पर, यहाँ बाहर से ही पता चल रहा है सीरियसली कि हाँ दिवाली आने वाली है। और यहाँ मम्मी सामान ले रही है, यहाँ आंटी बैठी हुई है। हेलो आंटी।
अरे ये हमारी आंटी, हाँ आज मैंने आपको भी अपने ब्लॉग में ले लिया आंटी। आप दिवाली बोल रहे थे ना, मैंने आपको दिवाली से पहले ही ब्लॉग में ले लिया। हैप्पी दिवाली। अभी तो फिलहाल नवरात्रे हैं। हाँ हैप्पी नवरात्रि। हाँ जी हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। और आंटी ने ना अभी मेरे को ड्रेसेस दिखाई हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं। लड्डू गोपाल की, लड्डू गोपाल की बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाती हैं आंटी। ने शॉपिंग करने के बाद, मार्केट में घूमने के बाद थोड़ी सी पेट पूजा तो बनती है, तो अभी मैं और मम्मी आए मेरे स्पेशल गोलगप्पे खाने, स्पेशली मेरे फेवरेट गोलगप्पे खाने। तो चलो मम्मी देखते हैं आज कौन ज़्यादा खाएगा, ठीक है। पहले ही विदाउट एनी गेम मैं विनर बन चुकी हूँ। आज देखेंगे कौन ज़्यादा खाएगा, मैं या मम्मी। मैं पहले विनर बनूंगी। Thank you.